वॉचिंग NC7 न्यूज हर खबर ते नजर। सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नु ते लेटेस्ट अपडेट पाउन लई प्रेस करो बेल आइकन। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह भी जानकारी दी है कि करतारपुर साहिब के दर्शन लई जान वाले श्रद्धालुओं नु 3 दिन पहला ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिस लई अगले 1-2 दिन च वेबसाइट शुरू कर दी जाएगी। रंधावा मुताबिक इस दौरान श्रद्धालुओं के पासपोर्ट ते मोहर नहीं सगो पर्ची लगेगी। एक श्रद्धालु साल विच एक बार दर्शन लई करतारपुर जा सकेगा। जेड़े श्रद्धालु इस लांघे दे रस्ते करतारपुर नहीं जा सकेंगे, उन्होंने तुसी बन खोल 60 फुट ऊंचा लिफ्ट वाला टावर बनाया जाएगा, जिस ते खड़े होके श्रद्धालु दूरबीन राही गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन कर सकेंगे। अप्लाई करना होगा और जेड़ी वीजा जड़ा होगा वो उदे ते पासपोर्ट उत्ते स्टैंप नहीं लगेगी, एक स्लिप मिलेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेड़ी है पाकिस्तान में फॉरवर्ड करेगी, उतों सानू एक परमिट टाइप आ जाएगी लेटर। फिक्रयोग है कि भारत सरकार वालों 8 नवंबर नु करतारपुर साहिब दे उद्घाटन दा ऐलान किया जा चुका है, जिस लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेरा बाबा नानक पुजणगे अते इस लांघे दा उद्घाटन कर सिखां दी दहाकियां दी चाहत नु पूरा करनगे। यू आर वॉचिंग NC7 न्यूज हर खबर ते नजर।